ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर विनेश फोगाट ने कई सवाल खड़े किए हैं। विनेश ने कल सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली है। विनेश ने दिल्ली महिला आयोग को भी इसमें टैग किया है। विनेश फोगाट के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस की सफाई सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी गवाह पहलवान की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा में तैनात पीएसओ को फायर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया था और इसके बारे में पहलवानों को पहले ही बता दिया गया था कि ट्रेनिंग है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रेनिंग के बाद पीएसओ को वापस भेज दिया गया था। महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर ही पहलवानों को सुरक्षा मिली थी और अब विनेश को इसको लेकर दिल्ली पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिसमें ये ट्वीट बेहद अहम है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिल्ली पुलिस अपनी सफाई दे रही है, सफाई में कितना दम है? क्या सुरक्षा हटाई गई है या फिर टेम्परेरी उसे बस हटाया गया था और वापस भेज दिया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी कहा है कोर्ट में भी उसे जवाब देना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी जब कोर्ट में पहलवान पहुंचे और उन्होंने वहां पर ये बात जब उठाई तो उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि जवाब पुलिस को देना होगा। अब पुलिस ने ट्वीट के कुछ ही देर बाद जो कुछ लिखा वो कंटेंट इस तरीके से था कि एक रूटीन प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत फायरिंग रेंज में जो पुलिस वाले होते हैं और वो जाते हैं, और जब वो निकल रहे थे तो इसके पहले उन्होंने पहलवानों को इस बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी, बात भी की थी। हाँ, पुलिस एक सवाल जरूर उठा रही है, उनका कहना है कि इस बात की जांच की जाएगी कि जब सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस पहलवानों के पास पहुंचना था तो क्या वो देर से तो नहीं पहुंचे, इस चीज की जांच कुछ पुलिस कर रही है और साथ ही साथ पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट देगी। यहां पर नेहा, जब किसी की सिक्योरिटी दी जाती है या वापस ली जाती है तो एक पूरी सर्टेन प्रक्रिया होती है। कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी दी गई है और पुलिस का कहना है कि जब वो सिक्योरिटी वापस लेंगे तो पूरी प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी, ट्रेनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था। अब देखना ये होगा कि जो डीसीपी ने ट्वीट किया था नई दिल्ली के, जब कोर्ट में जवाब देते हैं तो वो सिलसिलेवार क्या कुछ कोर्ट के सामने कहते हैं और क्या जो सवाल खुद पुलिस ने कहा है कि वो जांच कर रहे हैं कि कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षाकर्मी जब दोबारा उसे पहुंचना था तो उसने पहुंचने में देरी तो नहीं की, इस बात की जांच की जाएगी। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है कि क्या किसी ने लेट किया था या फिर उसमें सुरक्षा में किसी तरीके से चूक हुई, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने सुरक्षा वापस नहीं ली और नहीं ऐसी कोई प्रक्रिया या कहीं भी कहा गया, बल्कि पहलवानों को जब वो निकल रहे थे पुलिस वाले तो पूरी इंफॉर्मेशन भी दी गई थी कि वो वापस आ जाएंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर।